This is the future. Hi guys, welcome back to another video. Guys, हम डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और उन पर पूरा भरोसा रखते हैं। और अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिनको डॉक्टर्स अच्छी तरह पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस प्रोफेशन से फायदा उठाते हैं और साथ ही साथ इलीगल काम करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी डॉक्टर की जिसका नाम है हैरल्ड शिपमैन, जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक सीरियल किलर भी था, जिसने अपने एंटायर कैरियर ऑलमोस्ट 250 लोगों को कत्ल किया था। हैरल्ड शिपमैन जनवरी 1946 में नॉटिंगम इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसका वालिद एक ड्राइवर था और इसकी वालदा की डेथ लंग कैंसर की वजह से हुई। उसकी वालदा एक पेन किलर मॉर्फिन यूज किया करती थी, जिसको हैरल्ड शिपमैन बहुत गौर से देखा करता था और इसी वजह से उसका इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ गया। 1970 में शिपमैन ने लीड्स यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री हासिल की और उसके बाद 1974 में इसने अपने कैरियर का आगाज किया। ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर माना जाने लगा। इसी दौरान इसने शादी भी कर ली। 1976 में शिपमैन को 600 पाउंड का जुर्माना हुआ। पता चला कि ये कोई ड्रग लेने में लवरेज है, इसी वजह से इसको जॉब से भी निकाल दिया गया। मगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक ना चल सका और इसको दोबारा जॉब, और 1979 में डोनी ब्रॉक मेडिकल सेंटर में जॉब करने लग गया था। और इसने अपनी जिंदगी के मजीद 15 साल इसी हॉस्पिटल में गुजारे। मरीज डॉक्टर शिपमैन को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए थे, डॉक्टर शिपमैन की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन असल में ये कुछ और था और चुपचाप अपना काम कर रहा था। ये हर कुछ टाइम के बाद अपने एक मरीज को कत्ल कर देता था और इसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल 1975 में किया। उस वक्त इसने एक 70 साला लेडी इवा लियोन को मॉर्फिन की एक हैवी डोज देकर कत्ल कर दिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपना काम करता रहा और मरीजों को मॉर्फिन की हैवी डोज देकर कत्ल कर देता था और बाद में ये क्लेम करता था कि इनकी मौत सेहत ज्यादा खराब होने की वजह से हो गई है। डॉक्टर शिपमैन हमेशा बूढ़े ही मरीजों को कत्ल करता था ताकि लोगों का इस पर शक न जाए, और ये अपने मकसद में कामयाब होने लग गया। लोग इसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। इसने डोनी ब्रॉक मेडिकल सेंटर में 70 मरीजों को कत्ल किया। इसके बाद इसने वहां से जॉब छोड़ दी और अपना एक क्लिनिक ओपन कर दिया, और ये अपने क्लिनिक में भी लोगों को कत्ल करता रहा और अपनी सरकत से पास ना आया। वक्त गुजरता गया और अब 1998 का साल हो। डॉक्टर शिपमैन इस वक्त इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रह रहा था, तो इसके साथ वाले डॉक्टर्स को इस पर शक होने लगा। इन्होंने नोटिस किया कि डॉक्टर शिपमैन के पास जाने वाले मरीजों की मौत बड़े अजीब तरीके से होती है। कई मरीज तो कुर्सी पर बैठे होते हैं और उनके स्लीव्स भी ऊपर होते हैं और उनकी मौत वाकई हो जाती है। इस शहर के डॉक्टर्स ने पुलिस को ये इत्तला दी और पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत ना मिल सका। और डॉक्टर शिपमैन एक बहुत ही चलाक इंसान था, लोग उसकी बातों पर जल्द ही भरोसा कर लेते थे। इसी वजह से पुलिस ने भी डॉक्टर शिपमैन की बातों पर भरोसा कर लिया और ये केस वहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसने एक 81 साल खातून कैथलीन को कत्ल कर दिया था। ये खातून मैनचेस्टर के एक टाउन की मेयर थी। डॉक्टर ने उसके घर वालों को कहा कि कैथलीन की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी बॉडी को जला दिया जाए। कैथलीन की बेटी ने जब ये सुना तो उसको डॉक्टर शिपमैन पर शक हुआ और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को भी डॉक्टर शिपमैन पर अब शक होने लग गया था। पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की और जब कैथलीन की बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें मॉर्फिन की क्राइसिस मिली, जिसकी बिना पर पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन को अरेस्ट कर दिया। लेकिन डॉक्टर शिपमैन बजीद अपनी बात पर थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस को मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला
कि डॉक्टर शिपमैन मरने वाले मरीजों की गलत रिपोर्ट बनाते और उनके मरने की वजह गलत बता देते थे। एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक डॉक्टर शिपमैन ने अपने पूरे कैरियर में 250 लोगों को कत्ल किया, लेकिन कुछ लोग इसकी तादाद 450 भी बताते हैं। डॉक्टर शिपमैन को सिर्फ 15 मरीजों के कत्ल की सजा दी गई और ईयर 2000 में इसको पूरी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया गया। डॉक्टर शिपमैन इंग्लैंड की एक जेल में थे और ईयर 2004 में डॉक्टर शिपमैन ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर शिपमैन को लोग डॉक्टर डेथ के नाम से भी बुलाने लग गए थे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो काइंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सर्विस मैन।